अजमेर अलवर गेट थाने में टक्कर मारकर 70,000 रखे बैग को चोरी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जानकारी देते हुए थाने के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद जावेद ने बताया कि मदार क्षेत्र के रहने वाले सुमन जैन ने मुकदमा दर्ज कराया है कि वह अपने घर से मार्टिनर ब्रिज होते हुए बीसी के पैसे जमा कराने जा रही थी। इसी दौरान काले रंग की एक गाड़ी ने उन पर टक्कर मार दी, इसके चलते वह गिर गई और उनका पर्स भी नीचे गिर गया। इसी बीच गाड़ी चालक उनका पर्स लेकर वहां से फरार हो गया, जिसमें 70,000 की नकदी और अन्य जरूरी दस्तावेज रखे थे, जिसे लेकर पीड़ित ने अलवर गेट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। आरोपी की पहचान कर अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। एक सुमन जैन करके महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 9 तारीख को मैं सायंकाल अपने घर से 70,000 रुपये बीसी के जमा कराने के लिए मेरी लड़की दिव्या के साथ स्कूटी पर जा रही थी कि घर से रवाना हो मार्टिन ब्रिज के पास पहुँची कि शाम को 5:30 बजे के लगभग एक काले रंग की अज्ञात स्कूटी चालक ने उनकी टक्कर मार दी, जिससे वो थोड़े नीचे गिर गई। नीचे गिरने का पर्स भी नीचे गिर गया। फिर वो स्कूटी चालक उस पर्स को उठा के चुरा कर ले गया। पर्स में क्या क्या था? पर्स में 70,000 रुपये और एक आधार कार्ड था उसके पति का, संजय जैन का, और एक उसको खुद का आधार कार्ड था। ये कहाँ की रहने वाली महिला? ये रहने वाली मदार नाका मदार है, बैंक कॉलोनी है, वहाँ की रहने वाली महिला है और ये केसरगंज जा रही थी। मार्टिन ब्रिज के पास ये घटना घटित हुई। किन धाराओं में? धारा 382 में दर्ज हुआ है और प्रकरण में कुछ सीसीटीवी फुटेज वगैरह से मुलजिम की तलाश की जा रही है। अतिशीघ्र ही हम टीम गठित कर इसका पर्दाफाश करेंगे।